नमस्कार ओम शांति। देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। बुलेटिन की शुरुआत घाटकोपर से, जहां अभिनेत्री व चिकित्सकों ने सेवा केंद्र के वातावरण और सदव्यवहार को सराहा। आई विजिटेड ब्रह्मकुमारी सेशन टुडे एंड आई रियली फील दैट आते आते हम बहुत स्ट्रेस में आते हैं ट्रैफिक में और हमारे प्रीवियस लाइफ के स्ट्रेस में आते हैं, पर जाते जाते मैं बहुत खुश, बहुत काम और बहुत पीसफुल जा रही हूँ। यहाँ के सभी लोग बहुत स्वीट है, बहुत वेलकमिंग है, और उसी में हमें पता चल जाता है कि हमें कैसे जीना है, हमें उनकी तरह कैसे रहना है। सो आई एम वेरी 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 ब्लेस्ड विद द मेडिटेशन एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी पर्सन अलोंग विद दीदीज एंड अलोंग विद एवरी सिंगल पर्सन हु इज कनेक्टेड हियर। आई एम सो ब्लेस्ड एंड आई फील सो नाइस डूइंग प्रैक्टिस इन 17 इयर्स। बिलीव मी, व्हेन आई केम हियर एंड आई फाउंड माय सेल्फ वेरी ब्लेस्ड पर्सन बिकॉज द थॉट share over here, it is was awesome. Nowadays everybody needs peace, and as they said, medicines, this is a part of course the seva and all, but still what about the mental things? So here they proved that we all are doctors. मैंने ये सेशन लाइफ में फर्स्ट टाइम अटेंड किया है। पता नहीं था यहाँ पे क्या होगा, पर यहाँ पे जैसे ही मैंने किया एंटर, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ, पॉजिटिव वाइब्रेशन जैसा फील हुआ, एकदम से डिफरेंट वर्ल्ड सा लग रहा था। बहुत शांति मिली, मन करता है कि बार बार ये मतलब यहाँ पे आती रहूँ। डॉक्टर्स के कार्य का सम्मान आज किया गया है। सब बहन और भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही कार्य के लिए हम लोग आगे भी सहयोग करेंगे। हमारी तरफ से जो भी सेवा कर सकते हैं हम लोग, तो कभी भी हम लोगों को बुलाइए। अभी आप सुन रहे थे मराठी फिल्म अभिनेत्री प्राची बिसाट और अन्य कई विशिष्ट चिकित्सकों को, जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान और सेशंस, ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र के वातावरण और संस्था के सदस्यों के सद्व्यवहार की प्रशंसा की। दरअसल मुंबई के घाटकोपर सेवा केंद्र पर चिकित्सकों के सम्मान में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कई विख्यात चिकित्सकों ने कार्यक्रम का लाभ लिया और घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके नलिनी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके शक्कू, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके निकुंज और बीके विष्णु के प्रेरणादायी बोल से लाभान्वित हुए। कर्तव्य से लोग कैसे पहचाने कि प्रभु क्या करता है और प्रभु का पूर्ण परिचय क्या, तो दो व्यक्तियों को प्रभु ने जगत में निमित्त बनाया, एक माँ बनाई, दूसरा डॉक्टर बनाया। डॉक्टर को कहा बाप समान कर्तव्य कर, और माँ को कहा मेरा परिचय सभी को दो। आप भी डॉक्टर हैं जिस्मानी, और हम वो मार्गदर्शन देने का प्रयत्न करते हैं आने वालों को कि आपके आत्मा के अंदर जो बुराइयां हैं, विकार हैं, उन्हें आप कैसे निकाल सकें, उनसे मुक्त हो सकें, और उसके लिए जो मेडिटेशन राजयोग सिखाया जाता, क्योंकि आत्मा को सुप्रीम आत्मा परमात्मा सुप्रीम सोल से जो पावर मिलती है वो मिलती है उनको याद कर। इस दौरान विहासा के अंतर्गत बीके राजेश्वरी ने विहासा का परिचय दिया और आत्मा को सशक्त बनाने के टिप्स दिए। वहीं डॉक्टर वसंत भानुशाली ने आई ब्रेकर एक्टिविटी कराई, साथ ही रिफ्लेक्शन एक्टिविटी भी लोगों को काफी लाभदायी लगा। अंत में सभी चिकित्सकों को सर्टिफिकेट, शॉल और सौगात देकर सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ब्रह्मा कुमारीज ने दी बधाई और शुभकामनाएं। महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके निवास स्थान पर जाकर ठाणे के चकनाका हाउस सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरना और बीके हीना ने मुलाकात की और उन्हें भविष्य में भी कार्य क्षेत्र में सफल होने की शुभकामनाएं देते हुए माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ब्रह्मा कुमारीज से काफी समय से संपर्क में रहे हैं और ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू में भी उनका आना हुआ है। जबलपुर के धनवंतरी नगर सेवा केंद्र पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस
मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर एंड कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्याम रावत, गायनेकोलॉजिस्ट एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन डॉक्टर पुष्पा किरार समेत अनेक चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। वहीं बीके श्वेता ने मेडिकल प्रभाग की सेवाओं से अवगत कराया। इसके साथ ही अन्य विशिष्ट चिकित्सकों से मुलाकात कर उन्हें माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। अहमदाबाद के नवा नरोड़ा सेवा केंद्र, महादेव नगर सेवा केंद्र और युवा प्रभाग द्वारा पावर ऑफ पीस प्रदर्शनी वैन निकाली गई, जिसके अंतर्गत स्कूल, कॉलेजेस और सोसाइटी समेत विभिन्न स्थानों पर आध्यात्मिक सेवाएं हुई। इस दौरान नवा नरोड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुलोचना, युवा प्रभाग के कमेटी मेंबर बीके विवेक, नरोड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति, नारायणपुरा सेवा केंद्र से बीके जागृति ने अपने विचार रखे। इस मौके पर एसआरपी के जवानों को जहां आंतरिक स्वच्छता और निर्णय शक्ति बढ़ाकर कार्यकुशलता बढ़ाने की प्रेरणा दी गई, वहीं बच्चों को एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने के लिए राज्यों का अभ्यास करने और कुसंग से स्वयं की संभाल करने की शिक्षा दी गई। इस प्रदर्शनी वैन के माध्यम से हजारों लोगों को ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुआ। पुणे के रविवार पेट सेवा केंद्र के रजत महोत्सव पर कल्पतरु अभियान के अंतर्गत तलजाई टेकड़ी वन विभाग में वृक्षारोपण किया गया। आम आदमी रिक्शा चालक संगठन और ब्रह्मा कुमारी इसके संयुक्त प्रयास से यह आयोजित हुआ, जिसमें बीके रोहिणी, बीके सुलभा समेत रविवार पेट और धनकवड़ी के कई अनेक सदस्य शामिल हुए। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।